फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बनाएंगे साबूदाना के बड़े। तो साबूदाना के बड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है साबूदाना, और साबूदाना को हमने पहले ही भिगो कर रख दिया था और इसका सारा पानी हटा लिया है ताकि हमारा साबूदाना अच्छे से फूल जाए। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मैश किए हुए आलू, ग्रीन चिली और स्वाद अनुसार नमक, फलहारी नमक। और फिर इसे इसमें डालेंगे आधी कटोरी सिंगाड़े का आटा और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमने कढ़ाई में ऑयल डाला है और इसे ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। और अब हम बनाएंगे बड़े। तो हम बड़े को कुछ इस तरीके से शेप देंगे अपने हाथों से। और हम इसके बीच में एक होल कर देंगे ताकि जो बड़े हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाए और कच्चे ना लगे, कुछ इस तरीके से। तो देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है। ऐसे हम सभी प्रकार के बड़े तैयार कर लेंगे और फिर उसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ऑयल ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बड़े। तो हमने यहाँ पे साबूदाना के बड़े डाल दिए हैं और अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो हमने गैस की आंच धीमी रखी है ताकि ये अच्छे से हो जाए। और जब ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम गैस की आंच बढ़ा देंगे। तो देखिए, अब हम इसे पलटा देंगे और पलटाने के बाद ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन दिख रहे हैं। हम इसे अच्छे तरीके से फ्राई होने देंगे। तो हमने यहाँ पे गैस की आंच को तेज कर दिया है और इसे फ्राई होने देंगे। और हम इस तरीके से झारे की सहायता से इसे पलट लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सब तरफ से फ्राई हो जाए। हमने यहाँ पे गैस की आंच तेज कर दी थी और आप जैसा कि देख रहे हैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसके बाद मैं एक बर्तन में से निकाल लूँगी कुछ इस तरीके से। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, साबूदाना के बड़े तैयार हैं। हमने इसकी प्लेटिंग कर लिया है और आप भी इस तरीके से बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि।